हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर की जो पोस्ट आई है, PGT की जो टोटल पोस्ट आई है और रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर की जो पोस्ट आई है। दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता दूं कि GNCT DOE यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं, जो 1 से 12वीं तक के होते हैं और ख़ास तौर से 6 से 12वीं के होते हैं, वहाँ पर TGT PGT स्पेशल एजुकेशन टीचर को रखा जा रहा है गेस्ट टीचर के तौर पर 2023-24 सेशन के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे पब्लिक नोटिस फॉर ड्राइंग अ पैनल ऑफ स्पेशल एजुकेशन टीचर इन पोस्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन कैडर इन DOE GNCTD। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो अभी 364 आई है वैकेंसी और 581 जो आई है वैकेंसी, दो वैकेंसी अभी आई हुई है, वो भी सेम इसी डिपार्टमेंट की है, बट वो रेगुलर पोस्ट है। ये जो पोस्ट है जिसकी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, यानी कि हम कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल या फिर आप मान सकते हैं गेस्ट टीचर। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड ऑन बिहाफ ऑफ एजुकेशन दिल्ली टू ड्रॉ अ पैनल ऑफ गेस्ट टीचर फॉर द फॉलोइंग पोस्ट इन गवर्नमेंट ऑफ स्कूल ऑफ दिल्ली। तो TGT की 116 वैकेंट पोस्ट हैं, PGT की 19 पोस्ट हैं, और किस तरह से यहां पर रखा जाएगा वो मैं आपको बता देता हूं। गेस्ट टीचर शैल बी एंगेज प्योरली ऑन डेली वेज बेसिस, यानी कि आपको एक दिन के पैसे मिलेंगे। अब कितने एक दिन के पैसे मिलेंगे वो समझ लो कि भाई रिसर्च सेंटर कोऑर्डिनेटर को मिलेंगे एक दिन के 1445 रुपये, और PGT SET को जो PGT में स्पेशल एजुकेशन टीचर को कहा जाए तो 1445 रुपये है, और TGT में 1403 रुपये हो जाते हैं ये पर डे का। तो जितने भी दिन आप स्कूल जाएंगे उसको मल्टीप्लाई करने ला इन रुपये से। अब आगे हम देखते हैं कि भाई क्या क्या इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर। वैसे तो बहुत सारी यहाँ पर मोटा मोटा लिखा हुआ है, फिर भी आप यहाँ पर देखेंगे कि रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर के लिए मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बीएड स्पेशल एजुकेशन, यानी कि रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर में भी अप्लाई कर सकते हैं बीएड स्पेशल वाले, और ख़ास तौर से पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन वाले भी कर सकते हैं अप्लाई। ये पूरा बहुत बड़ा है, इसको पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। PGT स्पेशल एजुकेशन में मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी बीएड स्पेशल यहाँ पर चाहिए, और बीएड स्पेशल के साथ अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोफेशनल डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में तो वो भी चलेगा, और ये बीएड जनरल एजुकेशन विद 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन और 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, तो ये सब भी चल जाएगा। अगर आपने 2 साल का स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा कर रखा है और बीएड जनरल है तो वो भी चल जाएगा। अगर 1 साल का डिप्लोमा कर रखा है स्पेशल एजुकेशन में और बीएड जनरल है तो भी आप PGT के लिए वैलिड है, और TGT का भी सेम सा यही रहेगा भाई। TGT के लिए ग्रेजुएशन के बाद बीएड चाहिए, और PGT में ये है कि MA के बाद बीएड चाहिए, तो ये चीज़ आप समझ लेंगे। और बहुत बड़ा है ये, तो आप ये लोग पढ़ सकते हैं। इसकी PDF मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आराम से पढ़ लेना। मैक्सिमम एज फॉर मेल कैंडिडेट फॉर ऑफ जनरल कैटेगरी 30 साल है जनरल कैटेगरी के लिए, और यहाँ पर कास्ट यानी कि कैटेगरी का बेनिफिट आपको मिलेगा, जैसे SST को 5 साल की छूट और OBC को 3 साल की, और PWD कैंडिडेट को 10 साल की, और 15 ईयर इन केस ऑफ SST पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी SST कैंडिडेट है तो 15 साल की मिल जाएगी, OBC वालों को भी 15 साल की, और 10 फीमेल कैंडिडेट को 10 साल की छूट है, रिलैक्सेशन ऑफ एज 10 ईयर। तो ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर हम देखेंगे काफ़ी रिलैक्सेशन। रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट क्या है ये तो आपको मैंने बता दिया। 10 ईयर क्या रहेगा कि भाई ये 2023-24 सेशन के लिए विल बी अप टू 10/5/2024, यानी कि 10 मई 2024 तक आपका ये वैलिड रहेगा। मोड ऑफ सेलेक्शन क्या होगा, द एलिजिबल कैंडिडेट शुड सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट एंड अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड फॉर द सेट पोस्ट। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ सिंपल सी बात है कि जैसे कि अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने ही DOE के स्कूल में 450 PRT लेवल की निकाली थी, यानी कि प्राइमरी टीचर के, जिसमें सिर्फ DED स्पेशल वाले अप्लाई कर सकते थे। तो दोस्तों, सेम सा प्रोसीजर है कि आपको ऑनलाइन फॉर्म जो है फिल करना है, आपको कहीं भी जाकर जो है ऑफलाइन डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट करने हैं, ठीक है। उसके बाद मेरिट लगेगी, जैसे कि अभी DOE में 450 जो आई थी PRT की वैकेंसी। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि PRT वाले किसी भी पोस्ट में एलिजिबल नहीं है, DED वाले किसी भी पोस्ट में एलिजिबल नहीं है, DED स्पेशल एजुकेशन वाले इसी भी सिर्फ एक जगह एलिजिबल है, अगर उन्होंने बीएड जनरल कर रखी है तो, अगर बीएड जनरल कर रखी है तो एलिजिबल है, और अगर आपने बीएड स्पेशल कर रखी है ये तो पोस्ट आपके लिए है ही। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती है, बहुत सारी यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं। अब दोस्तों, कब से कब तक अप्लाई किया जाएगा उसकी डिटेल वगैरह मैं आपको लगातार प्रोवाइड कराता रहूँगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई लिखा हुआ है, विलिंग कैंडिडेट में अप्लाई एंड रजिस्टर देमसेल्फ ऑन द ऑनलाइन मॉड्यूल ऑफ द गेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट वेबसाइट थ्रू द फॉलोइंग लिंक। ये फॉलोइंग लिंक जो है आर आर रिक्रूटमेंट गेस्ट टीचर रिक्रूटमेंट फॉर 2023-24 30/9/2023 से आप अप्लाई कर सकते हैं 15 अक्टूबर तक, यानी कि आपको 15 दिन का टाइम मिलेगा, 30 सितंबर से अप्लाई कर सकते हैं 15 अक्टूबर तक। तो ये बहुत बड़ा, ये एक तरह से नोटिस कहूँगा, मगर मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो जो है आप एजुकेशन हब चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। दोस्तों, ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल।